लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। तीसरी थाना के समीप वाहन जांच के दौरान मारुति वैन से जब्त किया गया लगभग 300 लीटर पेट्रोल। दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लाइन्स क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा किया गया लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज जांच शिविर का आयोजन। जांच शिविर में कुल 45 लोगों का निःशुल्क किया गया जांच। बेटी दिवस के मौके पर एक युवा की अनूठी पहल। बेटी जन्म लेने पर अस्पताल से लेकर घर जाने तक का किया निःशुल्क खर्च का प्रबंध। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रशिक्षु जजों को कराया गया बेंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण। भ्रमण के दौरान काफी संख्या में न्यायिक पदाधिकारी थे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। तीसरे थाना के समीप वाहन जांच के दौरान एक मारुति वैन से लगभग 300 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। इसमें दो लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस जाँच में जुट गयी है। तीसरी थाना के समीप वाहन जांच के दौरान एसआई अमित कच्छप के नेतृत्व में सिल्वर कलर की मारुति वैन में लगभग 300 लीटर पेट्रोल सहित दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले ली है। दोनों व्यक्ति बिहार के चकाई थाना अंतर्गत सिमरिया का रहने वाला है। बताया जाता है कि मारुति वैन में 5 जार में पेट्रोल भरा हुआ वाहन जाँच के दौरान तीसरी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस द्वारा वाहन में लोड पेट्रोल की बिल की मांग की गई तो आरोपी सिमरिया के दिलीप राय नहीं दे सके। पुलिस के पूछताछ में बताया गया कि उक्त पेट्रोल गावा बाजार में बेचने ले जा रहा था। बता दें कि बिहार के चकाई थाना क्षेत्र में नकली पेट्रोल बनाया जाता है, जिसे खपाने के लिए कई लोग का रैकेट सक्रिय है। प्रतिदिन तीसरी गावा देवरी व धनवार क्षेत्र में खुलेआम उक्त नकली पेट्रोल खुदरा व्यवसायी के पास खपाया जाता है। नकली पेट्रोल खपाने के लिए रात के अंधेरे में बाइक, टेम्पू व ओमनी वैन का उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञ की माने तो उक्त पेट्रोल बाइक व चार पहिया वाहन में उपयोग करने से माइलेज कम देने के साथ इंजन में भी असर करती है। इसके बाद भी धड़ल्ले से माफियाओं द्वारा वर्षों से नकली पेट्रोल को इस क्षेत्र में खपाया जाता है। थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि दो लोगों के साथ मारुति वैन व पेट्रोल जब्त कर अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। लाइन्स क्लब गिरिडीह एलिट के द्वारा निशुल्क लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में लोगों का निःशुल्क जाँच किया गया। लाइन्स क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा आविष्कार डायग्नोस्टिक के सहयोग से लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज जांच शिविर लगाया गया। आज के शिविर में आविष्कार डायग्नोस्टिक बरगंडा में 45 लोगों का निशुल्क लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज की जांच की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारे क्लब के द्वारा सितम्बर माह में यह चौथा कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 225 लोगों का लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज की निशुल्क जांच की गई। लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमेह पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले लिया है। भारत देश में 77 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मधुमेह रोगियों की संख्या के आधार पर है भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है। भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। ऐसे में लोगों को इस बीमारी से सतर्क रखने की जरूरत है। वर्तमान समय में हार्ट अटैक से भी लोगों की मृत्यु में वृद्धि हुई है। लायन धर्म प्रकाश, लायन संजय कुमार सिंह, लायन दशरथ प्रसाद, लायन राहुल बर्मन, लायन सुनील कुमार, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। कैंप को सफल बनाने में आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर के सभी कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। आविष्कार डायग्नोस्टिक के सहयोग से सितंबर माह का अंतिम कैंप लगाया गया था। इस जांच शिविर में लोगों का लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का जांच किया जा रहा है। आज के कैंप में लगभग 42 आदमी का लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का निःशुल्क जांच किया गया है। हमारा क्लब ने सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को
डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल जांच के लिए निःशुल्क कैंप लगाया था और अभी तक हम लोगों ने सितंबर माह में 225 लोगों का लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का जांच करवाया है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश में अभी 77 मिलियन लोग मधुमेह से ग्रसित हैं और भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। इतना ही नहीं, अभी भारत में हृदय रोगों से मृत्यु की दर भी बढ़ी है और ऐसे में क्लब ने महसूस किया कि लोगों के बीच डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए निःशुल्क जांच कैंप लगाया जाए। आगे भी हम लोग का इस तरह का कैंप जारी रहेगा। बेटे दिवस के मौके पर एक युवक ने अनूठी पहल की। बेटे जन्म लेने पर परिवार वालों को अस्पताल से लेकर घर तक का सारे खर्च का प्रबंध निःशुल्क किया गया। बेंगाबाद में चर्चे के अनुसार एक युवक की अनूठी पहल। बेटी जन्म लेने पर अस्पताल से घर आने तक निःशुल्क देंगे वाहन सेवा, किसी भी तरह की नहीं लेंगे शुल्क। युवा नेता चंद्रदेव कुमार वर्मा उर्फ डिस्को ने कहा कि बहुत से परिवार में बेटी जन्म लेने पर उस परिवार के लोग मायूस हो जाते हैं, मन उदास हो जाता है, मन छोटा कर लेते हैं, यह सब ना करें क्योंकि बेटी है तो कल है। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वह अस्पताल से घर आने तक निशुल्क वाहन खुद सेवा देंगे। इसकी आज हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। जो महिला को लड़की पैदा होगी उसके लिए हम अपने पंचायत कृषि अपने पंचायत के लिए जम्मू हॉस्पिटल से फ्री सेवा देंगे। लगभग यह कंटिन्यू चालू रहेगा और सभी से हम अनुरोध करते हैं कि अगर इस तरह का कोई डिलीवरी होता है, उनको बेटी होता है, तो हौसला ना हारे, हिम्मत रखे और ऐसे परिस्थिति में हमको कॉल करें ताकि हम उसको। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सचिव संदीप कुमार वर्तम की अगुवाई में प्रशिक्षु जजों का बेंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और पीएल भी मौजूद थे। रविवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव संदीप कुमार वर्तम की अगुवाई में रविवार को गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न जगहों पर प्रशिक्षु जजों का भ्रमण कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले करणपुरा पंचायत के आस्था गांव के निवासी और मनरेगा लाभुक खुर्शीद अनवर हादी के जमीन पर लगे आम बागवानी, आदर्श डोभा, नर्सरी आदि योजनाओं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लीगल कैडर कॉप्स के छात्राओं, JSLPS कार्य कर रही महिलाओं, केएन बक्सी कॉलेज का भी भ्रमण किए। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार वर्तम के अलावे प्रशिक्षु जज अभिजीत पांडे, अनुप्रिया सांगा, अभिनंदन पांडे, मानसी सिंह, पायल झा, सालिक अन्ना अरेंज, मोहित चौधरी, हेमंत कुमार सिंह, प्रिया कुमारी, मेघा लकड़ा, साकिया कौशल, प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी, अधिवक्ता नरेश कुमार पाठक, शमसुल हौदा, PLV संतोष कुमार पाठक, जयप्रकाश वर्मा, सुनील कुमार वर्मा मौजूद रहे। न्याय मंडल में 13 प्रशिक्षु न्याय दंडाधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। उसी में एक प्रशिक्षण यह भी था, विलेज इमर्शन प्रोग्राम। ये हमारे सभी प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारियों को लेकर ये बेंगाबाद प्रखंड को चयन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने सभी न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ विभिन्न प्रमुख स्थलों का विजिट करवाया जा रहा है और उन्हें कोर्ट में अपने कार्रवाई शुरू करने के पहले उन्हें इस लोकेलिटी से भी परिचित करवाया जा रहा है, ताकि जब ये अपने कर्तव्य पे बैठे तो अच्छे से अच्छे और बिल्कुल जो है नियमानुकूल और जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, उसको में ध्यान रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया का निष्पादन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन तथा गोवर्धन लाल नरसिंह होम के द्वारा बनियाडी में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में काफी संख्या में लोगों की निशुल्क जांच और दवाइयों का वितरण किया गया। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन तथा गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के तरफ से गिरडी के बनियाडी में निशुल्क चिकित्सा शिविर एवं निशुल्क दवा वितरण, निशुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण का विधिवत उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राज ने बनियाडी पंचायत भवन में किया। इस अवसर पर डॉक्टर विकास लाल एवं डॉक्टर श्रीमती आरती लाल ने सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क इलाज किया और दवा का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजकुमार राज ने कहा, इस तरह के शिविर आयोजन से अन्य चिकित्सकों को भी प्रेरणा मिलेगी और गरीब एवं असहाय लोगों का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगा। श्री राज ने कहा कि इस तरह का चिकित्सा शिविर लगातार ग्रामीण क्षेत्र में भी आयोजन हो रहा है, जो है कई जगहों पर चल रहा है। पूरे जिले में एक वाहिद गोवर्धन लाल नर्सिंग होम है जो पूरे जिले में इस तरह का कैंप कर रहा है, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने संगठन की तरफ से, अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, और यहाँ इसका लाभ मिलेगा। बनियादी में काफी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जहाँ मुफ्त में इलाज हो रहा है वही दवाएं दी जा रही है। भारत बंद को सफल बनाने को लेकर झामुमो माले और कांग्रेस ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। संयुक्त मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए झंडा मैदान पहुंची। बंद का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में झारखंड राज्य में भी गठबंधन के दलों के द्वारा झारखंड को बंद करने का भी आह्वान है। इसी क्रम में जो चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया है उसके तहत अभी मशाल जुलूस के माध्यम से गिरिडीह की जनता से, गिरिडीह के व्यवसायिक बंधुओं से, गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिकों से हम आग्रह करने आए हैं कि कल एक दिन का अपना बंद करके समर्थन दे। पूरा देश सरकार के किसान विरोधी, जन विरोधी, छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों से त्रस्त है। ये अवसर है कि किसी तानाशाह एक सत्ता को चुनौती देने का। जनता सड़कों पर आके आपसे समर्थन मांग रही है, आपसे आग्रह है कि इस बंद में आप हमें सहयोग करें और झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम गठबंधन के साथी, कांग्रेस के साथी हों, सीपीएम हो, सीपीआई हो, सीपीआई माले हो, तमाम समाज समान विचारधारा के दलों के साथी मिलकर कल गिरिडीह के बंद को हम लोग सफल बनाएंगे। भारतीय किसान मोर्चा द्वारा कल बुलाए गए भारतीय भारत बंद के समर्थन में आज सभी विपक्षी दलों ने एक मशाल जुलूस निकाला है, जिससे के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश है कि कल आप सभी भाई व्यापारी बंधु, वाहन चालक, सभी लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें और शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद आयोजित किया गया है। और ये सरकार जो पिछले 8-9-10 महीनों से किसान लगातार आंदोलनरत है, उन किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी दल है, लेकिन ये बहरी सरकार है, ये अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रही है कि किसी तरह से भारत के किसान, जो भारत की आत्मा है, उनका हनन हो जाए और इनके जो पूंजीपति साथी है वो और माल से ज़्यादा मालामाल हो जाए। आज पूरे किसान मोर्चा के समर्थन में पूरा विपक्ष मशाल जुलूस के रूप में निकला है इस बात को आह्वान करने के लिए कि कल पूरा भारत बंद रहेगा, गिरिडीह बंद रहेगा, सभी तरह का प्रतिष्ठान आवश्यक सेवा को छोड़ करके वो बंद रहेगा। ये बंद कोई आम बात नहीं है, बल्कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है,
जिस तरह से किसान बिल को जीत में आकर के प्रधानमंत्री वापस नहीं ले रहे हैं और उसका असर दिख रहा है। आप ये देख लीजिए आज खाद्य पदार्थ के मूल्य कहाँ भागते जा रहे हैं। सबसे अच्छी उदाहरण है कि सरसों का तेल कितना महंगा क्यों हो गया, आखिर को बतावे तो सही आखिर क्या वजह से हुआ है। रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ रही है, हर खाने की चीज महंगी हो रही है। ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। इसको लेके हम सभी किसान मोर्चा के इस आह्वान में सारे पूरा महागठबंधन हम लोग सब एक साथ है उनके समर्थन में और कल भारत बंद रहे। किसानों के खिलाफ पूरे देश में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बंद है। हमारी पार्टी भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा, हम सभी पूरे ताकत के साथ इस बंद में शामिल हैं। आज अभी बंद की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकला है गिरिडीह में, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल थे। हम लोगों ने बाजार के लोगों से अपील की है कि वे कल बंद रखें और मोदी शाह के तानाशाही शासन के खिलाफ और कृषि क्षेत्र में कंपनियों के प्रवेश के साथ ही इस देश में पूरी तरह से कंपनी राज थोपने की साजिश के खिलाफ कल के बंद को समर्थन दें और हम उम्मीद करते हैं कि कल का बंद पूरी तरह से सफल रहेगा। किसानों के समर्थन में 27 तारीख को भारत बंद रहेगा और आज ये मशाल जुलूस में सभी दल के लोग शामिल थे। हम लोग सभी लोगों से, सभी दुकानदारों से और यहाँ के गिरिडीह वासियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस बंद में साथ दें और जो सेवाएं हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं वो चालू रहेगा, लेकिन आप इसमें साथ दें। तीसरे प्रखंड के खिजूरी तीसरी और गुमगी गांव में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। तीसरी प्रखंड के खिजरी तीसरी व गुमगी में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने पर बधाइयां दी और क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ पारा शिक्षक की मांग की ओर ध्यानार्थ किया। तीसरी गांव व देवरी प्रखंड के बीच तीसरी में यहां के छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था की गुहार लगाई गई। स्वागत कार्यक्रम में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा थाना प्रतिनिधि सुनील साव, हरीश शाह, गोपी रविदास, रामचंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से तीसरी में व्याप्त पेयजल समस्या, उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की, तीसरी में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की मांग की। अधिकांश भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज की प्रस्ताव रखी। हम गरीब व्यक्तियों को ये सरकार समझे और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार 7.5 वर्षों से आप सभी की सेवा में निरंतर प्रधानमंत्री जी जुड़े, हर वर्ग हर क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए किसी भी क्षेत्र में कमी न रहे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और एक से बढ़कर एक योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभ पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हम सभी साथियों ने शपथ लिया था कि भारत सरकार अगर 2019 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनती है तो आप अन्नपूर्णा देवी जी को इतना फोटो से जिताइए कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल में अन्नपूर्णा देवी का नाम भी मौजूद हो और नरेंद्र भाई मोदी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो रविवार परिषदन भवन पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक किए। बैठक में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। जनता दल को मजबूत व धारदार बनाने को लेकर स्थानीय नए परिषदन भवन में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का आगमन हुआ। जिले व विभिन्न प्रखंडों से आए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड को पंचायत से लेकर जिला तक मजबूत करने पर कई सुझाव दिए।
प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने संगठन को मजबूत करने के कई गुण सिखाए। उन्होंने गठबंधन के हिस्से कांग्रेस का लेते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्यपाल को 27 आरक्षण को लागू करवाने की मांग उनकी अपनी चमक बनाने का तरीका है। बैठक की अध्यक्षता जदयू के जिला अध्यक्ष सरयू गोप ने किया एवं संचालन युवा अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष जवाहर केसरी, कन्हैया सिंह, मंटू सिन्हा, महासचिव सुधीर आनंद, विद्या सिंह, संदीप जाधव, त्रिभुवन दयाल, नागेश्वर वर्मा, राजेंद्र उपाध्याय, डूमर चंद महतो, महावीर सिंह, भंडारी डी पंचायत के राजेश कुमार, गोपाल यादव, नासिर अंसारी एवं प्रदेश से आए हुए कई गणमान्य के अलावे सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनका उम्र और पता लिख दिए, 4,000 रुपए जमा। बीजेपी के लोग भी मंत्री हैं। यहाँ पर जब सम्मेलन होता था तो 1,500-2,000 आदमियों का भीड़ होता था। इतना का उद्देश्य है जनता दल यूनाइटेड का संगठन को मजबूती प्रदान करना और जन समस्याओं के लेकर संघर्ष करना। और पूरे झारखंड में हम लोग हसो जिला से लेकर प्रखंड और प्रखंड से पंचायतों तक संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह बैठक रखा गया है। और क्या समस्या है, पार्टी का सो दल का आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत है तो स्वर्ण विचार कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कमजोर लग रहा पार्टी आपका, तो मजबूत करने के लिए क्या क्या निर्देश दिए हैं? देखिए पार्टी कमजोर नहीं है, है एक्चुअल क्या कि पार्टी सुप्त अवस्था में था, उसको जागृत अवस्था में हम खड़ा करने जा रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं लोग। जब से प्रदेश अध्यक्ष मैं बना हूँ तब से सब लोग जहाँ भी थे, किसी भी दल में इधर उधर चले गए थे, वो आज सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, जान रहे हैं, टेलीफोन भी कर रहे हैं, हम आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं, इस तरह से लोग आ भी गए हैं। और आगे कुछ दिनों के अंदर में, एक महीने के अंदर में संगठन बहुत ज़बरदस्त दिखेगा झारखंड। आप लोगों के बीच में एकदम खुला ओपन बोलना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी समस्या का मैं समाधान करता हूँ, संगठन को बढ़ाया है। आज भी हम दिल से बोल रहे हैं संगठन को एकदम इतना अचीव कर देंगे, ग्रिड ही नहीं लेकिन पूरे झारखंड में बना देंगे कि आगे 2 साल के अंदर में पार्टी दिखेगा कि जनता दल यूनाइटेड कितना तेजी से सभी दलों के बीच से आगे बढ़ रहा है, ऐसा हम खड़ा कर देंगे। आज हमारे परिषदन भवन में हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रह चुके श्री खीरू महतो जी का आगमन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गिरिडीह में हुआ। हमारे जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी गर्मजोशी से स्वागत किए और हम लोगों को जो समस्या थी गिरिडीह में पार्टी संगठन को खड़ा करने के लिए एवं तमाम जो हम लोग को कमजोरी लग रहा था कि हम संगठन को कैसे आगे बढ़ा सकेंगे, हमारे प्रदेश के नेतृत्व कैसे आगे बढ़ेगा, तो हम लोग बहुत दिन से शिथिल पड़े हुए थे। हमारे बीच जब खीरू महतो जी का आगमन हुआ तो हम लोग उत्साहवर्धन से उनका स्वागत किए और जोश भी आया। आगामी 27 सितंबर को भारत बंद और 29 सितंबर को जिला मुख्यालय में धरना को सफल बनाने को लेकर झामुमो की एक बैठक जमुआ PWT डाक बंगला में हुई। बैठक में भारत बंद और धरना को सफल बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत बंद और जिला मुख्यालय में धरना को सफल बनाने को लेकर झामुमो की एक बैठक जमुआ PWD डाक बंगला में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार राय ने की जबकि संचालन रंजीत कुमार ने किया। बैठक में आगामी 27 सितंबर को भारत बंद कार्यक्रम सफल बनाने का निर्णय लिया गया तथा आगामी 29 सितंबर को जिला मुख्यालय गिरिडीह में धरना कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार राय, रंजीत कुमार, हेमलाल दास, चंद्रकांत श्रीवास्तव, भोला प्रसाद, लियाकत अंसारी, दिनेश मंडल, उमेश कुमार, रईस, कौशल, इकराम आदि मौजूद थे। किसान आंदोलन को लेकर कल 27 तारीख को भारत बंद सफल बनाने के लिए एक प्रखंड कमेटी की बैठक रखी गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग आज शाम 6 बजे मशाल जुलूस निकालेंगे कि
किसान भाइयों के समर्थन में मशाल जुलूस निकालकर सरकार को, केंद्र सरकार को आगाह करेंगे कि किसानों का मांग जल्द अतिशीघ्र माने, अन्यथा हम लोग रोड पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। कल हम लोग 5 बजे सुबह से जमुआ चौक को पूर्ण रूप से जाम करेंगे। बेगमा थाना के कई कांडों में प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं के तहत बेगमा थाने में मुकदमा दर्ज है। बेंगाबाद थाना कांड संख्या 217/21 और 104/18 में प्राथमिकी अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा बेंगाबाद थाना में दर्ज है। यह था हमारा आज का अंक, फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।